माननीय गृह सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र श्री जी किशन रेड्डी जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार एल मुरुगन जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आना मलाई जी, पद्मश्री श्री चौमू कृष्ण शास्त्री जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुधीर कुमार जैन जी, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर डॉक्टर वी कामाकोटी जी, तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय श्री वैद्यनाथ जी, तमिलनाडु के सम्मानित अतिथिगण, काशी की गण्यमान्य नागरिक, प्रिय विद्यार्थियों मित्रों और मीडिया के साथीगण, वणक्कम काशी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय वालगा, कावेरी थाये पोट्री उलगीन पोरे मोले तिलम, बालुम मोलिया तमिलाई कोंडाडा गिगम, ईगा थाना काशी तमिल संगमम, तमिलाई येसी कुंकुमम, नाम प्रधानरा थीरु नरेंद्र मोदी जी, काल चरफाई इनायतुल्लारा, इदुवे ओर भारतम उन्नत भारतम, द मंत्रम काशी तमिल संगमम वॉज इनॉग्रेटेड बाय अवर बिलवेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दिस मार्क ए हिस्टोरिक सेलिब्रेशन फॉर ऑल द डेलीगेट्स विजिटर्स गोस्ट एंड ऑल दोज एसोसिएटेड विद काशी तमिल संगमम. Today, we are privileged to have the Honorable Home Minister of India, Sri Amit Shah Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath Ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R. N. Ravi Ji, my ministerial colleague for the valedictory function. As I welcome all of you to the valedictory ceremony today, my brother and sister from Tamil Nadu and Kashi, I am sure that Kashi Tamil Sangamam has provided wonderful experience and memory for all of you to take back home. The showcasing civilization and culture richness of Tamil Nadu and Tamilians at Kashi and the synergy between the two has been the underlying themes of the Kashi Tamil Sangamam. The success of Tamil Sangamam is reflected in the large-scale participation of the people from varied walk of life. Over 2 lakh footfall into the historic campus of VHU, millions of digital footprints, more than 3,500 delegates and artisans from Tamil Nadu and Kashi, 300 special guests, 75 expert speakers, cultural shows, exhibitions and handlooms, handicraft, literature, art, coaching, etc. was truly experiential. Kashi Tamil Sangamam is now permanently etched into the soul of Kashi and Tamil Nadu. अंत में काशी के अपने भाई और बहनों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ. उन्होंने तमिलनाडु के हमारे साथियों की पूरी एक महीने के आयोजन के दौरान बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत किया, देखभाल की और काशी तमिल संगमम के ऐतिहासिक आयोजन का सफल बनाया. काशी तमिल संगमम का यह एक महावाराणसी के लोगों के जीवन में भी चिरस्थायी रहेगा, जिन्हें तमिल भाषा साहित्य एवं संस्कृति की आत्मसात करने का एक अनोखा अवसर मिला. आप सभी का बहुत बहुत आभार. हर हर महादेव. नंदी. धन्यवाद.